नमस्कार दोस्तों, मिस्टर सिंह मैकेनिकल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास लुमिनस इक्कावाट का 1650 वी का एक सेट है, जिसमें ये प्रॉब्लम है कि ये एसी मेंस की जो लाइन होती है उसको आउटपुट कर रहा है, लेकिन यूपीएस बैकअप पे जब ऑपरेट होता है तो उस टाइम यूपीएस की आउटपुट सप्लाई हमें नहीं मिल रही है। और दोस्तों, इस सेट को मैं फाइनली ओके भी कर चुका हूँ। इस सेट में 2003 नंबर की एक आईसी है, ये इस सेट में ख़राब निकली थी, जिसको मैंने रिप्लेस कर दिया है। दोस्तों, इस सेट में मार्क की हुई रेड और येलो वायर चार्जिंग लो और हाई के लिए है, और ये वाइट वाली रिले इस सेट में इन दोनों वायर को बारी बारी से चेंज करती रहती है, ताकि एम्पियर हमें कंटिन्यू बराबर मिलते रहें, और एम्पियर को लो हाई करने के लिए भी इस रिले का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों, 2003 नंबर की जो हमारी ये आईसी है, ये ट्रांजिस्टर से बनी हुई है। इस आईसी के अंदर काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर हैं, और ये 2003 नंबर की आईसी हमारी चार्जिंग रिले और मेन सेंसिंग रिले, और ये हमारी एक इसमें तीसरी रिले होती है, जो यूपीएस मोड के टाइम इन्वर्टर के करंट को मेंस एसी की जो हमारी इन्वर्टर की लीड है उसमें, ये 2003 नंबर की आईसी है। इन तीनों रिले और ये हमारा जो फैन होता है कूलर, इसको ऑपरेट करती है। माइक्रो आईसी से सिग्नल मिलने के बाद ये हमारी 2003 नंबर की आईसी इन सब चीज़ों को ऑपरेट करती है। तो दोस्तों, चलिए अब हम इस सेट को, दोस्तों यहाँ पर मैं इस सेट को सिंगल बैटरी से ही चेक कर रहा हूँ। इसमें मेरे को खाली आउटपुट चेक करनी है, और एक बार इसके एम्पियर वगैरह भी चेक कर लेता हूँ, चार्जिंग इसकी चल रही है या नहीं चल रही है। और दोस्तों, आप सबसे विनती है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो पाते रहें। और दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इससे हम आगे जो हम वीडियो बनाते हैं उन सब में हम सुधार कर सकें, ताकि हमें अपनी गलतियों का पता लगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये इन्वर्टर आउटपुट भी निकाल रहा है और चार्जिंग भी कर रहा है। यहाँ पर सभी तरह के मीटर मैंने लगाए हुए हैं, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, और इनपुट एसी इनपुट एम्पियर भी इसमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो सिंगल बैटरी होने की वजह से ये यहाँ पर बार बार बंद हो जा रहा है, क्योंकि अगर हम इसको यूपीएस मोड पे चलाते हैं तो यूपीएस मोड पे ये थोड़ी देर के लिए ही चलता है, लो बैटरी दिखा देता है, क्योंकि ये सेट 24 वोल्ट का है और हम इसको 12 वोल्ट से ही चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये फाइनली हमारा सेट ओके हो चुका है, और आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।